हमारे सहयोगी रिया टिकरी बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ी है, उनसे इस पूरे मामले पर और जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि किसानों की क्या कुछ मुख्य मांगे। तो ऐसे में क्या कुछ किसानों की मांगे हैं वो आपको बताते हैं। एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी मिले, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू हों, और ऐसे में किसानों और खेतीहर मजदूरों को पेंशन मिले, साथ ही किसानों और खेतीहर माफ हो, ऐसे में किसान आंदोलन के दौरान दर्ज केस वापस हो, लखीमपुर खीरे के पीड़ित किसानों को न्याय मिले, तो ये सभी मांगे किसानों की हैं। ऐसे में मजदूरों का कर्ज माफ हो, किसानों और खेतीहर मजदूरों का कर्ज माफ हो, किसानों और खेतीहर मजदूरों को पेंशन मिले, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू हो, एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी मिले, जो कि बहुत मुख्य मुद्दा माना जा रहा है। ये सभी मुख्य मांगे हैं जो कि किसान यहां पर जिसको लेकर दिल्ली कूच के लिए आगे बढ़ चुके हैं। 5.5 घंटे कल पूरी डिस्कशन चली थी, 8 तारीख को भी हुई थी, लेकिन 8 तारीख को जो प्रस्ताव पेश किया गया था, लगभग वही प्रस्ताव कल भी पेश किया गया, जो कि किसान नहीं मानने को तैयार, सहमति नहीं बन पाई, उसके बाद दिल्ली कूच की अब तैयारी। चलिए, रिया टिकरी बॉर्डर से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। टिकरी बॉर्डर पर रिया, क्या कुछ तैयारियां हैं वहां पर, क्या कुछ सेफ्टी मेजर्स लिए गए हैं? जी हर्षा, कल जो 5.5 घंटे बैठक चली, उसका नतीजा कुछ आया नहीं। डेडलॉक जो है वो लगातार बना हुआ है, और इसका नतीजा ये है कि संभावनाएं काफी ज्यादा हैं कि किसानों ने जो ये फैसला किया था दिल्ली कूच करने का, वो हमें रियलिटी में बदलता आज दिखेगा, जिसकी तैयारियां दिल्ली के बॉर्डर्स पर कल से ही हो रही है। दिल्ली में एहतियातन 12 फरवरी से 12 मार्च तक धारा 144 लगा दी गई है। इस वक्त टिकरी बॉर्डर पर मैं मौजूद हूँ, और आप देख पाएंगे ये यहाँ पर वो कंट्रोल रूम है जो बनाया गया है सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। यहाँ पर आप देखिए काफी ज्यादा फोर्सेस की तैनाती आपको नजर आएगी, और ये टिकरी टोल टैक्स, ये टोल पॉइंट है जहाँ पर ये कंट्रोल रूम बनाया गया है। साथ ही साथ अगर आप आगे चलेंगे, यहाँ से आगे हरियाणा की ओर अगर आप बढ़ेंगे, तो आपको नजर आएगा कि काफी ट्रक्स जो है वो यहाँ पर लगा दिए गए हैं बैरिकेडिंग के तौर पर, और एक पूरा यहाँ पर कैमरा और स्पीकर सिस्टम भी कल ही इंस्टॉल किया गया था, ये ध्यान में रखते हुए कि यहाँ पर जो भी मूवमेंट होगा उसको किस तरीके से मॉनिटर किया जाएगा। तो ये जो तस्वीरों में आप यहाँ ट्रक्स देख रहे हैं, ये बैरिकेडिंग के लिए यहाँ पर ये ट्रक्स लगाए गए हैं, और आप सड़क के दूसरी तरफ भी देख पाएंगे, हालांकि थोड़ा ट्रैफिक मूवमेंट आपको अभी नजर आएगा, पर जो कुछ खाली ट्रक्स हैं वो बैरिकेडिंग के लिए यहाँ पर लगाए गए हैं, और भारी सुरक्षा बलों की तैनाती दिल्ली में है। यहाँ पर एडवाइजरी भी जारी कर दी गई थी ट्रैफिक डायवर्जन को लेकर, क्योंकि काफी संभावना है कि आज जो किसान है वो दिल्ली आएंगे। तो ये जो आप ट्रक्स देख पा रही हैं, ये ट्रक्स यहाँ पर फेंसिंग के लिए एक तरीके से यहाँ पर बैरिकेडिंग के लिए है। साथ ही साथ आप यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जो बैरिकेड्स हैं उनके ऊपर नुकीले तार, वो भी यहाँ पर रखे गए हैं, जरूरत पड़ने पर उनका भी इस्तेमाल किया जाएगा, और यहाँ पर स्पीकर सिस्टम, कैमरा सिस्टम वो भी इंस्टॉल किया गया है, पूरी जो एक्टिविटीज होने वाली है उसको मॉनिटर करने के लिए। आगे आपको लेकर चलते हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि आगे जो बैरिकेडिंग की गई है वो कंक्रीट के बोल्डर्स के साथ बैरिकेडिंग की गई है, अरेंजमेंट पूरा कल किया गया था। तो ये एक पूरा लगभग 500 मीटर का सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम पूरे पुख्ता किए गए हैं। आपके पास वापस लौटेंगे और जानकारी आपसे लेंगे। ऐसे में आपको बताते हैं कि किस किस रूट से किसान आने वाले हैं, क्या रूट वो फॉलो करने वाले हैं, किस किस जगह से किसान आकर रूट को फॉलो करेंगे। देखिए किन मुद्दों पर सहमति बनी, सबसे पहले आपको बताते हैं, बिजली अधिनियम 2020 को रद्द करना, इस पर सहमति बनी, लखीमपुर खीरे के पीड़ितों को मुआवजा मिलना, किसान आंदोलन के दौरान जो दर्ज केस थे वो वापस लेने को, यहाँ पर इन मुद्दों पर सहमति बने। साथ ही किन मुद्दों पर पेच फंस गया ये भी आपको बताएं, एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी, एमएसपी जो कि बहुत मुख्य मुद्दा था, इसको लेकर अब भी पेच फंसा हुआ है, किसानों के लिए कर्ज माफी हो, और साथ ही स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, इस सभी मुद्दों को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है, अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। साथ में आपको ये भी बताएं कि किस किस रूट से किसान आने वाले हैं, बॉर्डर कहां पर सील है ये भी आपको बताएंगे, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, झरोदा कला बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली नोएडा बॉर्डर और बदरपुर बॉर्डर, ये वो सभी बॉर्डर है जो कि रूट किसान फॉलो करने वाले हैं। ऐसे में पंजाब हरियाणा की बात करें तो पंजाब में भटिंडा बॉर्डर, और देखिए हरियाणा में शंभू बॉर्डर,
जो कि अंबाला में पड़ता है, खनौरी बॉर्डर, संगरूर में, ये वो सभी बॉर्डर हैं जहां से किसान रूट फॉलो करते हुए दिल्ली की ओर कूच करने वाले हैं। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं, सभी जगह सेफ्टी मेजर्स पूरे कर लिए गए हैं, लेकिन किसान भी पूरी तैयारी में है। रिया के पास वापस चलेंगे, उनसे और जानकारी लेंगे। रिया, हम देख रहे हैं, आपने दिखाया कि जो सेफ्टी मेजर्स है वो पूरे हैं, लेकिन किसान की तैयारी भी बिल्कुल पूरी है। जी हर्षा, किसानों की जो तैयारी है वो भी पूरी है और उसका पूरा ध्यान यहाँ पर रखा गया है। कल से ही हम आपको टिकरी बॉर्डर से लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं और अभी आप देखिए, ये यहाँ पर आपको दिल्ली पुलिस के बैरिकेड्स नजर आएंगे, नुकीले तार इन पर लगाए गए हैं और पीछे आपको कंटेनर्स भी बड़े बड़े नजर आएंगे जिनको बैरिकेड्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। और साथ ही साथ अगर हम थोड़ा आगे जाए तो आपको नजर आएगा कॉन्क्रीट के बोल्डर्स लगाए गए हैं। तो जो सबसे पहली बाउंड्री यहाँ पर की गई है कंक्रीट के बोल्डर्स की, इस तरफ बाउंड्री यहां की गई है और उसके ऊपर ये मॉनिटरिंग सिस्टम, जो स्पीकर और कैमरा उस मॉनिटरिंग सिस्टम पर है वो लगाया गया है, जिसका कंट्रोल कुछ ही दूरी पर है। तो सबसे पहले कंक्रीट के बोल्डर्स, उसके बाद ये बड़े बड़े कंटेनर्स, उसके बाद दिल्ली पुलिस के जो बैरिकेड्स हैं उन पर नुकीले तार लगे हुए हैं और फिर जो ट्रक्स हैं एहतियातन वो भी लगाए गए हैं। तो लगभग 500 मीटर के स्ट्रेच में ये पूरा जो सिक्योरिटी सिस्टम है तैयार किया गया। आप देखिए तस्वीरों में, आप देख पाएंगी ये बड़े बड़े बोल्डर्स कंक्रीट के रखे गए हैं सड़क के दोनों ओर। आप देखिए इस तरफ भी और यहाँ भी जो बोल्डर्स की दीवार है वो बनाई गई है, ट्रक्स भी लगे हुए हैं और भारी सुरक्षा बलों की जो तैनाती है वो भी आपको यहाँ नजर आएगी। तो क्योंकि किसानों की तैयारी है और जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस बल तैनात है, सुरक्षा के लिहाज से बिल्कुल पुख्ता इंतजाम है। आपके पास वापस आएंगे। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।